तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। बता दूं, अलसकथा जो लेसन है, अध्याय है, वह पुरुष परीक्षा से संकलित है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। यहाँ पर हेडिंग है अयम पाठ, ठीक है, विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षाति नामकस्य, ठीक है, अंश विशेषो वर्ते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणा महत्व वर्णति दोषाणाम च निराकरणाय शिक्षति, ठीक है। दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से पुरुष के परीक्षा के बारे में बताया गया। दोस्तों, पुरुष यानी आलसी मनुष्य के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, किस प्रकार से दोस्तों वह अपने गुण को त्याग करके अवगुण अपनाता है और किस प्रकार से उसके दोष होते हैं, किस प्रकार से वो आलस से काम करता है, ठीक है, इसके बारे में दोस्तों आलस कथा पाठ के बारे में विद्यापति बहुत ही अच्छे से जो है बताए हुए हैं। दोस्तों, आप यहां से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि आसित, यानी कहने का मतलब विद्यापति मैथिल कोकिल के कवि थे, ठीक है। चलिए, अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानाम निर्माति विद्यापतिराश्रित इति अतस्य विशेषता संस्कृत अपि भरपूरता अस्ति। प्रस्तुते पाठे अलस्य नामकस्य दोषनाशनं निरुपे व्याकरण कथा प्रस्तुता दृष्टि नीतिकार आलस्य निपूर्णम पंडित, यानी किस प्रकार से दोस्तों, क्योंकि मानव शरीर में आलस से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। कथाकार कहना है कि आलसी व्यक्ति का जीवन अति दुखमय होता है। व्यक्ति अपने आलस के कारण कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता है, फलतः उसे हर कोई हे दृष्टि देखता है, निच दृष्टि देखता है, मित्र भी ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं, ठीक है। इसलिए आलस्य सर्वथा त्याज्य है, अर्थात कहने का मतलब है आलस्य को त्याग देना चाहिए। तो पूरा दोस्तों हम कहानी बताएंगे आपको, लेकिन वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो आपके बुक्स में लिखा हुआ है हेडिंग में आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री सच स्वभाव दानशील कारुणश्च सर्वभयो दुर्गतेभ्यो नाथे भयश्च प्रत्यमिच्छा भोजनम दापति तम धेयो अलस्यभ्योम पवनवस्वी दापति यतः। यानी कहने का मतलब दोस्तों इसके द्वारा बताया गया है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे जो स्वभाव से दानशील व्यक्ति थे। वह भिक्षुओं को भिक्षा देते थे और भिक्षुओं को दान स्वरूप उन्हें भोजन कपड़े आदि दिया करते थे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बताया गया है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री जो है रोजाना जो है भोजन कपड़े आदि देते थे। एक बार की बात दोस्तों कि चार आलसी तो मान लीजिए थे, वे ऐसे आलसी थे जो कि मान लीजिए कि अपने आप कोई भी काम नहीं करते थे। आलसी का मतलब होता है कि आपका हाथ पांव सब सही रहेगा लेकिन कोई भी काम करने का मन नहीं करता है उन लोग का, आलसियों का, ठीक है दोस्तों। चलिए, आलसी परिपूर्ण उसे बोलते हैं जो कि मान लीजिए कि बहुत सारे काम हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आलसी लोग क्या करते हैं कि जानवरों के साथ जंगल में सो जाएंगे, बाघों के साथ रह जाएंगे, कष्ट उठा लेंगे, मतलब कि शीत में मतलब बाहर में उन्हें पानी बरस रहा है सो जाएंगे, लेकिन कोई भी काम करने वाले नहीं हैं, यही होते हैं आलसी, ठीक है दोस्तों। तो चार आलसी तो मान लीजिए रोजाना जो है वीरेश्वर के पास भोजन करते थे। अब क्या हुआ कि चार आलसी का सुख देखकर जो दूसरा आलसी है, बहुत से आलसी मान लीजिए 10-8 जितने भी आलसी हैं वे सभी बनावटी रूप लेकर के, यानी अपने कपड़े लते अपने कपड़े को बदल करके अपने जो रूप है उसको बहुरूपिया रूप बना करके वे वीरेश्वर के मंडप में जाने लगे खाना खाने। तो एक दिन का बात हुआ, वीरेश्वर का एक मान लीजिए एक उत्तराधिकारी कोई रहता था, तो उसने बोला कि भाई देखिए ये जो आलसी चार हैं डेली आते हैं, इन्हें भोजन खिलाते हैं, लेकिन ये चार आलसी के अलावा आखिरकार इतने भीड़ क्यों लग गई, मान लीजिए चार से लोग 30 से 40, 40 से 50 कैसे हो गए, ठीक दोस्तों। तो वीरेश्वर भी थोड़ा सा घबराया कि आखिरकार ये कैसे हो गया। तो वीरेश्वर का एक राजा रहता था जो वीरेश्वर का उत्तराधिकारी है छोटा पद पर, उसने कहा कि हम लोग आलसियों का परीक्षा लेंगे कि आखिरकार ये नकली आलसी हैं कि सचमुच आलसी हैं, लाचार आलसी हैं, ठीक दोस्तों। चलिए, जो विद्यापति हैं वो बताते हैं कि आलसियों की आप परीक्षा ले आता है। तो उस परीक्षा में क्या होता है कि भोजन को खिलाया गया, भोजन खिलाने के बाद खाना खिलाने के बाद उन सभी आलसियों को एक झोपड़ी में यानी मड़ई में सुला दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद क्या किया जाता है कि उनकी अग्नि परीक्षा शुरू होती है, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा और सुनते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों कि उन्हें जो है मड़ई में यानी झोपड़ी में सुला दिया जाता है, और सुलाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि बहुत तेज मात्रा में जब आग लगती है तो बहुत लोग परेशान होते हैं। जब झोपड़ी में आग लगती है तो फूल मचने लगा, तब एक ने कहा, ध्यान दीजिएगा ये वो सुनिश्चित पूछ सकता है, पहला आलसी बोलता है अरे 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 यह कैसा शोरगुल है, ठीक है। दूसरे ने कहा शायद इस घर में आग लगा दी गई है, ठीक है। तीसरे ने कहा कोई धार्मिक नहीं है जो भींगी हुई चटाई से ढक दे, यानी कहने का मतलब है कोई धार्मिक व्यक्ति हम लोग को आकर के बचा ले। और चौथे ने कहा अरे वाचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं सो रहते हो, चुपचाप सो यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो ये चार आलसी जो थे बहुत, मतलब कि एक मान लीजिए कि एकदम बिल्कुल आलसी ही थे, ये कुछ करने वाले नहीं, भले जल के मर जाएंगे लेकिन इसमें से भागने वाले नहीं है। और जो बनावटी आलसी थे जो इनके साथ आए थे, वो फुर फुर मतलब कि वो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट करके क्या हो गए, भाग गए। तो इससे पता चलता है कि आखिरकार चार आलसी जो वीरेश्वर के पास जाते थे वे आलसी एकदम बिल्कुल आलसी थे, लेकिन जो बनावटी आलसी थे वे दफा हो गए, वे भाग गए, वे अपने शरीर को बचा लेते हैं। तो क्या होता है, मड़ई में यानी झोपड़ी में आग तो लगी हुई है, इसके बाद एक सज्जन पुरुष ने कहा कि भाई देखो हम आप लोग को बचाने आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि चारों आलसियों का भारी भारी से भाल को पकड़कर, उनका शरीर को पकड़कर किसी नियोगी यानी दयावान पुरुष द्वारा निकाला जाता है बाहर में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक श्लोक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया है, जी बताते हैं कि इसीलिए कहा गया है पति होता है, बच्चों का रक्षक माता तथा आलसियों का रक्षक कोई दयावान ही हो सकता है, अर्थात धार्मिक स्वभाव वाले ही किसी की रक्षा करने में रुचि लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस अध्याय के द्वारा समरी यदि आपको याद हो गया, कहानी यदि याद हो गई, तो समझ लीजिए कि आपके बल्ले बल्ले आप एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आपको पूरे पूरे समरी याद हो जाएंगे और आसानी से आप एग्जाम में फ़ायदा उठा पाते हैं दोस्तों, उठा पाएंगे, और मैट्रिक एग्जाम में एकदम तहलका मचाते हुए एकदम पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। प्यारे दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ आप सभी दोस्तों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव।